प्रकरण सात आबोहवा की फेरफारो। आबोहवा हवामान अनेक ग्रीन हाउस इफेक्ट। सारांश जुदा जुदा स्थल पर हवामान नु प्रमाण तेमज तेनु जुदा जुदा स्थल पर हवा नु प्रमाण अने हवानी गति अलग अलग होय छे। उपरांत रोजिंदा जीवन में ठंडी गर्मी के वरसाद में थता फेरफार ने वातावरण में थता फेरफार तरीके ओळखावीए छीए। वातावरण में थता एकाएक घटाड़ो कुदरती होवानी साथे साथे मानव सर्जित पण छे। लोको द्वारा थती प्रवृत्तिओनी असर वातावरण पर पड़े छे। सैद्धांतिक समाज वातावरण में थता फेरफार ने समझवा माटे केटलीक संकल्पनाओ समझवी जरूरी छे, जे नीचे मुजब छे। जेम के सौ प्रथम वातावरण एटले शू। वातावरण पृथ्वीनी चारे बाजु वीटळाईने आवेला हवाना आवरण ने वातावरण कहेवामां आवे छे। आबोहवाना फेरफार वैश्विक तापमान वधवाथी तापमान पवननी दिशा अने भेज वगैरे में जे फेरफार थाय छे तेने आबोहवाना फेरफार कहेवामां आवे छे। हवामान कोईपण प्रदेशना तापमान भेज अने वरसादनी टूंका गाळानी सरेराश स्थिति एटले हवामान। आबोहवा कोईपण प्रदेशना 35 वधारे वर्षोना सरेराश तापमान भेज अने वरसादनी सरेराश स्थिति एटले आबोहवा। आपेल संकल्पनाओमां जो संतुलन रहे तो वातावरण पर कोई फेरफार जोवा मळतो नथी, परंतु जो हवामान के आबोहवामां कोई मानव सर्जित कारणोसर फेरफार थाय तो ते घणो घातकी साबित थाय छे, जेम के तेना द्वारा उद्भवती ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट ठंडी आबोहवा वाला देशों में सूर्यताप ओछो मळतो होवाथी छोड़ शाकभाजी अने वृक्षों नो विकास अटके छे, तेथी पर्याप्त मात्रा में गर्मी मळी रहे तेवी कृत्रिम व्यवस्था करवामां आवे छे, जेना माटे काच के कापड़नी छत राखवामां आवे छे के ज्यां गर्मीनुं प्रमाण जळवाई रहे छे, तेने ग्रीन हाउस इफेक्ट कहे छे। ग्रीन हाउस इफेक्ट द्वारा सामान्य ऋतु सिवायनी ऋतुमां पण सारी गुणवत्तावाळा शाकभाजीनुं उत्पादन लई शकाय छे। इजरायल जेवो देश आ टेक्नोलॉजी द्वारा शाकभाजीनुं वधु ने वधु उत्पादन मेळवी तेनी निकास द्वारा करोड़ों डॉलरनुं हुंडियामण कमाय छे। उपरांत शाकभाजी पाकोनी खेतीना पायारूप प्रश्नोना निराकरण माटे धरूनी फेर रोपणी द्वारा उत्पादन करी आ टेक्नोलॉजी उपयोगी अने फलदायी साबित थई छे। प्रकाशनी गुणवत्तानो आधार तेना किरणोनी लंबाई अने प्रकाशना समयगाळानो आधार ऋतु अने विस्तार पर रहेलो छे, तेथी आ परिबळ ने पाकनी जरूरियात मुजब नियंत्रण में लावी शकाय छे। ग्लोबल वॉर्मिंग सारांश भूतकाळ में जयरे सूर्यमंडलनी रचना थई अने पृथ्वीए सूर्यनी फरते प्रदक्षिणा करवानुं शुरू कर्युं त्यारे पृथ्वी ए फक्त गरम गोळा स्वरूपे हती। लाखों वर्ष बाद पृथ्वीनो गोळो ठर्या बाद तेनी सपाटी परनुं पड़ सखत बन्युं, जेने आपणे धरती कहीए छीए। पृथ्वी पर वर्षो सुधी ज्वाळामुखीओ फाटवानी वरसाद अने बाष्पीभवननी घटमाळा चाली जेना द्वारा समुद्रो बन्या। सैद्धांतिक समाज पृथ्वी परना कार्बन डायऑक्साइड पाणीमां द्राव्य होवाने कारणे समुद्रमां अने कार्बोनेट खड़क स्वरूपे पृथ्वीना पेटाळमां दबाई जाय छे। पृथ्वी पर तेनुं प्रमाण 70 थी घटीने 0.003% रह्युं, जेथी पृथ्वी पर वातावरण अस्तित्वमां आव्युं। सूर्य परथी पृथ्वी पर आवता किरणों वातावरणमांथी पसार थता पृथ्वी पर पड़े छे। आ किरणोमांना केटलाक किरणों वातावरणमां शोषाई जाय छे अने केटलाक किरणों अंतरिक्षमां पाछा फरे छे। पृथ्वी पर एक धारा वातावरण ने परिणामे ऋतुओ शक्य बनी अने एक कोशी जीवथी लईने मानवी सुधीनुं जीवन सरळ बन्युं।
औद्योगिक युगमां मानवीए जाने कुदरत साथे हरीफाई शुरू करी। पेट्रोलियमनो बेफाम वपराश, वीज उत्पादन माटे कोलसो बाळीने मोटा मोटा कारखानाओ माटे बळतणना उपयोग द्वारा पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड अने झेरी वायुओनुं प्रमाण भयजनक कक्षाए लावीने मूक्युं छे, जेने आपणे ग्लोबल वोर्मिंग तरीके ओळखता थया छीए। ग्लोबल वोर्मिंग एटले पृथ्वीना वातावरणने गरम करनारी ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट एटले के सूर्यना किरणों साथे आवती गर्मीने वातावरणमां आव्या पछी पृथ्वी पर अथड़ाईने परावर्तन पामी पाछी अवकाशमां जवा न देवाय तेवी स्थिति। पृथ्वीना तापमानमां थतो वधारो। सारांश: समग्र दुनिया अत्यारे ग्लोबल वोर्मिंगना कारणे चिंतित छे। दिन प्रतिदिन समग्र पृथ्वीना तापमानमां वधारो थतो जोवा मळे छे। पृथ्वी पर अतिशय गर्मी पड़वी, अतिशय वरसाद पड़वो अने ऋतुमां थतुं अनियमित परिवर्तन वगैरे घटनाओ सामान्य बनी छे। पृथ्वीना तापमानमां थतो वधारो। सारांश: समग्र दुनिया अत्यारे ग्लोबल वोर्मिंगना कारणे चिंतित छे। दिन प्रतिदिन समग्र पृथ्वीना तापमानमां वधारो थतो जोवा मळे छे। पृथ्वी पर अतिशय गर्मी पड़वी, अतिशय वरसाद पड़वो अने ऋतुमां थतुं अनियमित परिवर्तन वगैरे घटनाओ सामान्य बनी छे। सैद्धांतिक समझ: ग्रीन हाउस इफेक्ट में सक्रिय फाळो आपता वायुओ जेवा कि कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरा कार्बन एटले के सीएफसी अने हेलो कार्बन ने ग्रीन हाउस वायुओ तरीके ओळखवामां आवे छे। पृथ्वीना तापमानमां छेल्ला 100 वर्षोमां 0.6 अंश सेल्सियसनो वधारो थयो छे। जुदा जुदा वायुओनुं प्रमाण जेवा कि कार्बन डाइऑक्साइड 64%, क्लोरोफ्लोरा कार्बन 65%, मिथेन 10% अने हेलो कार्बन 0.5% समावेश थाय छे। आम विश्वनो दरेक मानवी 4.5 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड एटले के CO2 छोड़े छे। आजथी 100 वर्ष पहला CO2 275 ppm हतो, जे आजे 350 ppm थयो छे। ppm एटले पार्ट पर मिलियन एटले के 10 लाखनो एक भाग एटले के 0.28%, तो 280 ppm कहवाय। पृथ्वी ने गरम करवामां जवाबदार परिबळो: वस्तु थर्मल पावर मथक 200 मेगावॉट, समय वार्षिक, ग्रीन हाउस ने असर करता वायुनु उत्सर्जननु प्रमाण 9 लाख टन, वस्तु मोटर कार वार्षिक, समय वार्षिक 70 करोड़ टन उत्सर्जननु प्रमाण, वस्तु एसी सरेराश 2 कलाक, समय 24 कलाक, उत्सर्जननु प्रमाण 2230 किलोग्राम, वस्तु टीवी 24 कलाक, समय उत्सर्जननु प्रमाण 190 किलोग्राम, वस्तु ट्यूबलाइट, समय 24 कलाक, उत्सर्जननु प्रमाण 88 किलोग्राम, वस्तु कंप्यूटर, समय 24 कलाक, उत्सर्जननु प्रमाण 130 किलोग्राम, वस्तु फ्रिज, समय 24 कलाक, 920 किलोग्राम उत्सर्जननु प्रमाण। वर्ल्ड मटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एटले के WMO विश्व हवामान संस्थाना मत प्रमाणे ईस्वीसन 1850 थी ईस्वीसन 2008 ना वर्षनु समुद्र अने जमीन सपाटी परनु संयुक्त तापमान 31 अंश सेल्सियस हतु, जे ईस्वीसन 1961 थी ईस्वीसन 1990 ना गाळाना सरेराश तापमान करता वधारे हतु। जुदा जुदा ग्रीन हाउस वायुओ: एक मिथेन CH4। मिथेन एक रासायणिक संयोजन छे। ऑक्सीजन नी हाजरी मां मिथेन ने बाळता कार्बन डाइऑक्साइड अने पाणी छूटा पड़े छे। ईस्वीसन 1750 मां 315 ppm मांथी ईस्वीसन 2005 मां 1764 ppm जेटलो आश्चर्यजनक वधारो नीचे प्रमाणेना कारणों मुजब थयो छे।
પશુઓના શ્વાસોશ્વાસ અને ચયાપચયની ક્રિયાને લીધે 14 કરોડ ટન ઉત્સર્જન, ડાંગરની ખેતીના લીધે 15 કરોડ ટન ઉત્સર્જન, સેન્દ્રીય કચરો સડવાથી 7 કરોડ ટન ઉત્સર્જન, બે નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડ N2O ખાતરોના ઉપયોગ સહિત કૃષિને લગતી થતી પ્રવૃત્તિઓને પગલે વાતાવરણમાં નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડનું પ્રમાણ વધે છે, જે 270 પીપીએમથી વધીને અત્યાર સુધીમાં 319 પીપીએમ જેટલું થયું છે. 3. ક્લોરોફ્લોરા કાર્બન CFC પ્લાસ્ટિક, ફ્રીજ, એસી, સર્કિટ સર્જન, એરોસેલ સ્પ્રે એટલે કે 1 માઇક્રોનથી 10 માઇક્રોન આકાર ધરાવતા સૂક્ષ્મ કણોને એરોસેલ કહે છે, વગેરેના વપરાશથી ક્લોરોફ્લોરા કાર્બનમાં વધારો થાય છે. એક વ્યક્તિ દ્વારા પ્રતિદિન જે વસ્તુઓ ગ્રહણ કરવામાં આવે છે તેમાં લગભગ 80% વાયુઓ હોય છે. એક વ્યક્તિ પ્રતિદિન 22,000 વખત શ્વાસ લે છે, તેથી તે ઓક્સિજનયુક્ત વાતાવરણમાંથી 16 કિલો જેટલા વાયુનું સેવન કરે છે. 23 જાન્યુઆરી 1995ના યુનોના સંયુક્ત ઠરાવથી દર વર્ષે 16 સપ્ટેમ્બરને ઓઝોન દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. 2007નું વર્ષ 1980 પછી સૌથી વધુ ગરમ હતું. ગ્લોબલ વોર્મિંગની અસરો સારાંશ. ગ્લોબલ વોર્મિંગની અસર માનવ ઉપરાંત પ્રાણીઓ, વનસ્પતિઓ અને તેમના જીવન પર પણ પડી રહી છે, ઉપરાંત અન્ય ફેરફારો પણ થઈ રહ્યા છે. સૈદ્ધાંતિક સમજ. વનસ્પતિની ઉત્પત્તિ, તેમની વૃદ્ધિનો સમય અને આયુષ્યમાં ફેરફાર. પક્ષીઓની અમુક જાતિઓ લુપ્ત થવી, દાખલા તરીકે ચકલી, ગીધ. હિમાલયની 2000 હિમનદીઓ પીગળવી. છેલ્લા 10 વર્ષમાં દુષ્કાળ, વાવાઝોડા, અતિવૃષ્ટિ અને પૂરનું પ્રમાણ વધવું. જ્યાં વરસાદ વધુ પડતો ત્યાં તેની માત્રા ઓછી થવી, દાખલા તરીકે રાજસ્થાન અને દુબઈમાં ભારે વરસાદ, ચેરાપુંજીમાં અનાવૃષ્ટિ, ખેતીમાં કઠોળનું ઉત્પાદન ઓછું થવું, જમીનમાં પાણીનું સ્તર ઘટવું, હિમનદી પીગળવાથી સમુદ્ર જળસ્તર ઊંચું થવું અને સમુદ્ર કાંઠાનું ધોવાણનું સ્તર વધવું. તાપમાન વધતા માણસો ડિહાઇડ્રેશન અને કુપોષણના ભોગ બનવા, ઋતુચક્રમાં પરિવર્તન, શિયાળા અને ઉનાળાની ઋતુઓની લાક્ષણિકતાઓ બદલાવી. ગુજરાતની દરિયાઈ સપાટી 25 સેન્ટીમીટર જેટલી વધતા જમીનની ખારાશ વધવી. ખેત ઉત્પાદનમાં સતત ઘટાડો. કોલેરા, ડેન્ગ્યુ, મેલેરિયા, યલો ફીવર, સ્વાઇન ફ્લૂ વગેરે રોગોનું પ્રમાણ વધવું. ગ્રીન પીસ સંસ્થા મુજબ ઈસવીસન 2100માં ગુજરાતમાં વસતા આશરે 55 લાખ લોકોનું સ્થળાંતર કરવું પડશે. વૈશ્વિક તાપમાનના વધારાને લીધે ફૂલોની સુગંધ નાશ પામવી. ગ્લોબલ વોર્મિંગથી બચવાના ઉપાયો. ઊર્જાના બિનપરંપરાગત સ્ત્રોતોનો ઉપયોગ વધારવો, જેમ કે સૌર ઊર્જા, પવન ઊર્જા, પવન સૌર ઊર્જા, ભરતી ઓટ ઊર્જા, વૃક્ષારોપણ વધારવું, પોલિથીન બેગનો ઉપયોગ ટાળવો, ખાતર અને જંતુનાશક દવાઓનો વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ કરવો, લીલો પડવાશ અને છાણિયું ખાતર વાપરવું, ઘર ઉપયોગી સાધનોનો વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ કરવો, પરિવહનના સાધનોનો વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ કરવો, ઇકો ફ્રેન્ડલી કાગળનો વપરાશ વધારવો, પેટ્રોલિયમ પેદાશોનો વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ કરવો, વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ કરવો, CNGનો વપરાશ વધારવો. માનવ દ્વારા જે કાગળનો ઉપયોગ થાય છે તે 1 ટન કાગળ બનાવવા 4,400 કિલોવોટ વીજળી, 30,000 લીટર પાણી અને 11 વૃક્ષોના લાકડાનો માવો વપરાય છે. પર્યાવરણનું રક્ષણ કરવા વૈશ્વિક નીતિ. માનવીય પ્રવૃત્તિઓને કારણે પર્યાવરણને થતા નુકસાનની સમજ સમગ્ર વિશ્વને સમજાવવા ઈસવીસન 1972માં સ્વીડનના પાટનગર સ્ટોકહોમ ખાતે અને ત્યારબાદ બ્રાઝિલના રિયો ડી જાનેરોમાં બેઠક બોલાવવામાં આવી.
ग्लोबल वोर्मिंग संदर्भे विश्व स्तरे डिसेम्बर 2009 मा डेनमार्क नी राजधानी कोपनहेगन मा एवं नक्की थयु हतु के विकसित राष्ट्रो कार्बनक्ट स्वीकारता नथी एटले के ग्रीनहाउस ने असर करता वायु उत्सर्जन घटाड़वानी नीति जारे विकासशील राष्ट्रो ग्रीनहाउस ने असर करता वायु उत्सर्जन घटाड़वा दबाण करे छे। विकासशील देशों ना विकास माटे 100 अबज डॉलर सहाय तेमज आ बैठक दरमियान 45 देशों ना 59 जेटला संशोधन पेपर्स द्वारा दुनियाना नेताओं ने आ वैश्विक समस्या थी विचारता करवामा आव्या। विश्वमा सरेराश नागरिक 4.5 मैट्रिक टन, भारतनो नागरिक वार्षिक सरेराश 1.2 मैट्रिक टन तेमज अमेरिकानो नागरिक 20.6 मैट्रिक टन कार्बन वायु उत्सर्जन करे छे, जे पर्यावरण माटे भयजनक स्थिति कहवाय। विद्यार्थियों आ प्रकरण अहीं समाप्त थाय छे।